क्या क्या एक्सपीरियंस? मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करता हूँ, ये मेरे सर है और हम बहुत पहले मिल चुके हैं। हम लोग जू बीच पे प्रैक्टिस करते थे हीरोपंती से पहले, और अभी कांदिवली में स्टार्ट किया। हाँ, फिर कांदिवली में स्टार्ट किया। फिर हीरो बनने के बाद बाहर जाने की ज़्यादा मौका नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने पर, इसलिए भाई ने ये इंस्टीट्यूट बनाया, तो यहाँ पे ज़्यादातर मेरी ट्रेनिंग होती है फ्लाई जोन फिटनेस में। बहुत ही कमाल के टैलेंटेड लड़के हैं, और यू नो मैं खासकर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये इस लेवल का टैलेंट, मैं पहली बार देख रहा हूँ इंडिया में। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, जो बहुत ही बड़ी बात है, और इससे साबित होता है कि हम लोग कम ने बाहर वालों से। तो आई थिंक वे वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी हैविंग दिस टैलेंट आउट हियर, और जितना हो सके हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए सारे बच्चों को, और बहुत ही अच्छी बात है जो कुलदीप सर कर रहे हैं फ्लाई जोन फिटनेस के साथ। थैंक यू सर, आप मोटिवेट कर रहे हैं सबको, तभी ये सब हो रहा है। टाइगर, अभी तो हमने जब स्टार्ट किया था तो टाइगर के साथ ही स्टार्ट किया था, आज टाइगर की वजह से इतना बड़ा जिम है और हम सब साथ में प्रैक्टिस करते हैं, और अभी ये कॉम्पिटिशन इसलिए था कि हमें पता चले कि हमारे इंडिया में किस लेवल का परफॉर्म करते हैं लड़के। सभी ऑल ओवर इंडिया से आए और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम और लोग आएँ और जुड़ें और एक अच्छा कॉम्पिटिशन फिर से रख सकें। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत नर्वस हूँ। आशिक कली फिल्म देखा मैंने पहली बार, और एक फैमिली स्क्रीनिंग था, तो ऋतिक सर की फैमिली, मेरी फैमिली, सिद्धार्थ सर की फैमिली, आदि सर की फैमिली, सब लोग मिलके देख रहे थे, और बहुत मज़ा आया यार। आई थिंक खासकर दर्शकों को एक बहुत ही बड़ी ट्रीट मिलने वाली है 2 अक्टूबर को। फर्स्ट डे यार मेरी फटी पड़ी थी फर्स्ट डे, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ काम करने जा रहा था तो अंदर से मैं कांप रहा था, पर शुक्र है मैं फेस टू फेस कोई सीन नहीं था, हम लोग साथ में एक्शन कर रहे थे तो मेरे सामने नहीं खड़े थे, मेरे ऐसे बाजू में खड़े थे, तो आई थिंक इस वजह से काफ़ी आसान रहा शुरुआत में, और फिर करते करते एक कंफर्ट फैक्टर आ गया था हम दोनों के बीच में, और किस्मत अच्छी है मेरी, इतनी जल्दी मेरे करियर में मुझे एक मौका मिला इतने बड़े स्टार के साथ काम करने के। एक चीज़ नहीं बता पाऊँगा, बहुत कुछ सीखने को मिला क्राफ्ट के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, उनकी जितने भी एक्सपीरियंसेस है ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन, काफ़ी कॉन्वर्सेशंस हुए, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं उन सब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आई थिंक खासकर आजकल हर फिल्म के लिए एक मार्केट है, तो आई थिंक सबकी चलनी चाहिए यार, तो आई थिंक ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। फैंस के लिए बस ये कि ज़रूर 2 अक्टूबर को देखिएगा, और वॉर, और कुलदीप सर थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, बहुत बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया आपने, और ऐसे करते रहना और इंडिया को प्राउड करते रहना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।